तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ओवेशन विद प्लांट पर। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे प्लांटों का लिस्ट बता रही हूँ जिसके पत्ते घास जैसे मिलते हैं। कुछ सिर्फ पत्ते ही पत्ते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट है जिसमें फ्लावर भी खिलते हैं लेकिन घास जैसे उसके पत्ते दिखते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से उन प्लांटों का लिस्ट भी बताऊंगी। आप चाहें तो इस समय उन प्लांटों को नर्सरी से लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, और इसके कुछ केयर टिप्स भी बताऊंगी और इसका प्रोपिगेशन मेथड भी बताऊंगी। और ये सभी पौधे एक परमानेंट पौधे की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, बस कुछ केयर और कुछ टिप्स जानने की आवश्यकता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो प्लांट आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, वो है एस्पेरिगस फर्न के प्लांट। बहुत ही खूबसूरत घास जैसे इसके पत्ते दिखते हैं। इसमें फूल तो नहीं आते, लेकिन ये अपने पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाने जाते हैं। इसे आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। इसे डिवाइड करना भी आसान है। ये देखिए, एक और एस्पेरिगस फर्न के प्लांट जो मैं डिब्बे में लगा रखी हूँ। बस आपको करनी क्या है, इस तरह से आपको प्लांट निकालनी है और जितने प्लांट बनाना चाहते हैं आप अपने एस्पेरिगस फर्न के प्लांट बना सकते हैं, और इस तरह से बना बना कर आप अलग पॉट में लगा दें तो एक नए प्लांट तैयार हो जाते हैं। इस तरह से आप एस्पेरिगस फर्न के आप सैकड़ों प्लांट अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। इसका केयर भी आसान है, कभी कभी इसमें कंपोस्ट के काउडंग फर्टिलाइज़र डालते रहें। और ये प्लांट एक बार गार्डन में आप शामिल कर लेते हैं तो बार बार शामिल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आप इसे हैंगिंग बास्केट में छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और दूसरा जो प्लांट आप देख रहे हैं, एक खूबसूरत कोचिया के प्लांट जिसके पत्ते घास जैसे दिखते हैं। ये भी प्लांट एक अलग ही लुक प्रदान करते हैं। आप इसे सीड से और कटिंग से इजली ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इस समर सीजन में इन कोचिया के प्लांट आप नर्सरी पर खरीद सकते हैं। ये आपको ज़्यादा रेंज में भी नहीं मिलेंगे। अगर इसे लगा लेते हैं तो एक बार लाने के बाद आपको बार बार लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें सीड पॉट तैयार होते हैं। वन उन सीडों को आपको इकट्ठा करके रखनी है और दोबारा से जब समर सीजन के पहले यानी फरवरी में इनके सीड से लगा सकते हैं। ये जितने सारे आप प्लांट देख रहे हैं ये मेरे कोचिया के सीड से ही ग्रो किए हैं, जिसके कारण मेरे गार्डन में पूरे गार्डन में कोचिया के प्लांट भर चुके हैं। और ये भी प्लांट घास जैसे दिखते हैं, तो आप कोचिया के प्लांट को भी अपने घर में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये रजनीगंधा के प्लांट जो खुशबूदार पौधों में गिने जाते हैं, लेकिन इसके पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल घास जैसे, लंबे घास जैसे दिखते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी देखते ही बनती है। आप इसे कोई भी पॉट में लगा दें तो ये अपने पत्तों से पूरे गमले को ढक देते हैं। ये बिल्कुल इसके घास पूरी तरह से फैल जाते हैं, और इसे आप इसे बल्ब से ग्रो कर सकते हैं। इस समय चाहे तो इसके बल्ब को लगा सकते हैं और पूरे समर सीजन और रेनी सीजन तक ये आपके गार्डन में फ्लावरिंग करेंगे। और एक बार इसके बल्ब खरीद लेते हैं तो बार बार आपको लगा खरीदने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं, ये रेन लिली के प्लांट जिसमें फ्लावर भी खिलते हैं, और इसके पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल घास जैसे लंबे दिखते हैं। तो ये भी प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, जिसके पत्ते घास जैसे और इसमें फ्लावर भी खिलते हैं, जिसके कारण इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आप इसे बल्ब के माध्यम से कोई भी पॉट में लगा दें तो ये अपने घास जैसे पत्ते से पूरे प्लांट को कवर कर देते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है मैक्सिकन पिटूनिया, जिसमें फ्लावर खिलते हैं लेकिन इसके पत्ते आप देख सकते हैं बिल्कुल घास जैसे दिखते हैं, जिसके कारण इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और इसमें आपको फ्लावर भी खिलेंगे, और इसे भी आप एक बार शामिल कर लेते हैं तो बार बार शामिल करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। तो आप इसे इस समर सीजन में आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं
और एक बार इसे शामिल आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। एक बार इन पौधों को नर्सरी से ले आइए और बार बार आपको लाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये हैं स्पाइडर वर्ट के प्लांट, जिसके पत्ते घास जैसे दिखते हैं। इसमें छोटे छोटे अगर रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल भी खिलते हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी देखते ही बनती हैं। इसे कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट थोड़े से मॉइस्चर पसंद करते हैं और जब इसमें पूरी तरह से फूल खिल जाते हैं तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो ये प्लांट भी अपने आप ही अक्सर गार्डन में उगाते हैं। घास जैसे इसके पत्ते लुक बिल्कुल देखते ही बनती है। आप इसे हैंगिंग बास्केट में छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये हैं मांडो घास, जो जिसमें फ्लावर तो नहीं खिलते लेकिन ये एस्पेरिगस फर्न की तरह ग्रोथ करते रहते हैं, जिसे इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और सबसे बड़ी खासियत है इसे डिवाइड करके आप सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। ये मांडू घास को आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं या फिर छोटे से छोटे पॉट में भी लगा दें तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ घास जैसे मिलते जुलते प्लांट है जिसमें कुछ फ्लावर भी खिलते हैं और कुछ अपने घास बिल्कुल पत्तों की खूबसूरती के लिए ही जाने जाते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।